बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन यानी शिक्षा में नवाचार। तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में हमने यूनिट फोर्थ को शुरू कर दिया था। पार्ट वन में लगभग 38 क्वेश्चंस तक हमने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे जहां पर आपकी यूनिट फोर्थ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर हम बात करें पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री की तो उनमें भी लगभग यूनिट फोर्थ सभी में कम्प्लीट करा दी गई हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ भी यूनिट फोर्थ को कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों, सहपाठियों या जहाँ भी आप जुड़े हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त हमारे जुड़ सकें हमारे चैनल से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं इन सभी को कम्प्लीट कराने के बाद आपका रिविज़न भी करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट द्वारा आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। वहाँ से आप जुड़ करके और भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे PDF वगैरह भी जल्द ही वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर का MCQ है, निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा की विशेषताएं नहीं हैं, यानी निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। 39 की बात करें तो अवलोकन, यह जो है निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा की विशेषता नहीं है, जबकि ट्यूशन शुल्क से मुक्त, मार्गदर्शनात्मक शिक्षा, नम्यता, ये सभी जो हैं इनकी विशेषताएं हैं। अवलोकन तो प्रशिक्षण के समय दिया जाता है, यानी अवलोकन जो है उसके अंतर्गत ऑब्जर्व करता है बच्चा चीज़ों को देख करके, ठीक है, चीज़ों को सीखता है। 40 की बात करें तो 40 में यहाँ पर दिया है शिक्षा का वह संस्थान है जो विश्व स्तर पर छात्रों को उच्च स्तर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है तथा यह छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त कर संस्थान की फंडिंग वित्त पोषण सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो यह किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, निःशुल्क मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। 41 है, विश्व भर में निःशुल्क शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय निम्न में से नहीं है, कौन से नहीं है। तो 41 की बात करें तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह विश्व भर में निःशुल्क शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों में एक नहीं है। यह किससे संबंधित है आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 दिया है, ई लर्निंग या प्रशिक्षण वास्तविक समय में एक प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की पर चैट रूम का उपयोग करके इंटरनेट पर होती है। प्रत्येक छात्र एक विशिष्ट समय पर लॉगिन करता है और शीघ्र प्रशिक्षक और एक दूसरे के साथ संवाद कर सकता है, यह क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तुल्यकालिक ई लर्निंग की तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 42 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 दिया है, ई लर्निंग जिनके छात्र आमतौर पर अध्ययन के एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम पर काम करते हैं, इसमें ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड, चर्चा समूह और ईमेल के माध्यम से प्रशिक्षकों या विशेषज्ञों तक पहुंच शामिल हो सकती है, किसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हम 43 की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अतुल्यकालिक ई लर्निंग के अंतर्गत। 44 देख लेते हैं, BBC की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर 44 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1924 में BBC की शुरुआत हुई। BBC का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, भारत में पहला प्रसारण में कब, मतलब शुरुआत की गई पहले प्रसारण की,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में पहला प्रसारण, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1937 में भारत में पहला प्रसारण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दिया है, AIR का फुल फॉर्म है। यहाँ पर AIR का फुल फॉर्म यानी ऑल इंडिया रेडियो, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकसित इंटरैक्टिव रेडियो अनुदेशन की शुरुआत किस दशक में हुई? तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1970 के दशक में हुई। क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉफ्टवेयर शिक्षकों और छात्रों को एक ही कंप्यूटर के आसपास इंटरैक्टिव गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक साथ लाता है, किसके अंतर्गत लाएगा एक साथ? तो यहाँ पर GTL मल्टीमीडिया, इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर शिक्षकों और छात्रों को एक ही कंप्यूटर के आसपास इंटरैक्टिव गतिविधियों के संचालन करने के लिए एक साथ लाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। 49 दिया है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 49 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये GSAT-3 यानी GSAT-3 जो है वो भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एजुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर 50 की बात करें तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 20 सितंबर 2004 को एजुसेट जो है वो प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरनेट द्वारा उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रयोग किया जाएगा, ई कॉमर्स यानी ई वाणिज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जिस पर आंकड़े होते हैं और जो केवल कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, CD-ROM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 दिया है, दूरस्थ स्थान पर उपस्थित व्यक्ति किसी विषय वस्तु प्रकरण पर परिचर्चा में भाग ले सकते हैं और उस पर अपनी तत्कालिक प्रक्रियाएं दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, किसके अंतर्गत? तो 53 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 से देखेंगे, डिजिटल डिवाइस को उन छात्रों हेतु लाने का प्रयास करता है जो डिजिटल क्रांति से अब तक अछूते रहे हैं तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर 54 की बात करें तो 54 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वयं, इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की तो ए बी और सी ये सभी करेक्ट हैं, यानी केवल ए बी सी करेक्ट हैं। व्याख्यान विधि द्वारा प्रशिक्षण या शिक्षण ये कहना गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OB की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना यह उद्देश्य है। OB की शुरुआत कब हुई इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, शिक्षा के उस प्रणाली से है जो ट्यूशन फंडिंग के बजाय सरकारी धर्मार्थ संगठनों से वित्तीय पोषण प्राप्त करता है। तो अगर हम बात करें निःशुल्क मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा की तो इसके अंतर्गत शिक्षा के उस प्रणाली से है जो ट्यूशन फंडिंग के बजाय सरकारी धर्मार्थ संगठनों से वित्तीय पोषण प्राप्त करता है। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 58 देख लेते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के लाभ इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें आंसर नंबर डी की, अनुभवी वयस्कों के साथ बालक प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं एवं स्वयं को खेलों एवं खोजों का समर्थन करते हैं, तो यह कहना गलत हो जाएगा। ठीक है,
बाकी सारी लाभ जो हैं वो करेक्ट हैं ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, ई लर्निंग के लिए विशेष रूप से क्या अच्छा है। तो यहाँ पर ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की अगर हम बात करें या ई शिक्षा की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या अच्छा है ये पूछा है। तो अगर हम बात करें इंटरैक्टिव सेल्फ स्टडी और ट्यूटोरियल को मैनेज करने की तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं, ठीक है, इनमें से यह अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, ई लर्निंग स्वनिर्देशित और स्वचालित साधन है। तो यहाँ पर अगर 60 की बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, शिक्षार्थी किसी विशेष विषय पर खर्च किए जाने वाले समय को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जैसे आने जाने पर ट्यूशन वगैरह कर रखे हैं, कोचिंग वगैरह, तो यहाँ पर आने जाने वाले समय को नियंत्रित कर सकते हैं ई लर्निंग द्वारा या ई शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ई लर्निंग लचीला है इसका मतलब है क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सीखना कभी भी और कहीं भी हो सकता है जब तक कि आवश्यक उपकरण सुलभ हों, तो इसलिए हम ई लर्निंग को अपने अकॉर्डिंग अपने काम में ला सकते हैं, कहीं भी घर बैठे बाहर हों हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 62 है, ई लर्निंग लगातार और प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसका अर्थ है, कौन सा अर्थ होगा, तो विभिन्न स्थानों में कई सत्रों के माध्यम से शुरू की गई परिवर्तनशीलता को कम करना। करेक्ट आंसर 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल है, कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेखन के माध्यम से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता, तो यह महत्वपूर्ण कौशल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, वर्चुअल स्कूल क्या है। तो यहाँ पर वर्चुअल स्कूल की बात की गई है, तो प्रणाली जो प्रशिक्षकों से छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से परिनियोजना पाठ्यक्रम सामग्री की अनुमति देता है वह वर्चुअल स्कूल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 65 दिया है, ई लर्निंग के कुछ लाभ हैं, कौन से लाभ हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ई लर्निंग की, तो सीखने की प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना ई लर्निंग का लाभ है। नेक्स्ट है 66, ई लर्निंग रणनीति में से एक है, ई लर्निंग के लिए प्रेरणा और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसका आशय है, क्या आशय है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ई लर्निंग के लिए प्रक्रिया के प्रवाह को बनाए रखने और समय की आवश्यकता अवधि के भीतर समाप्त करने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 67 देख लेते हैं, BBC का फुल फॉर्म है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटिश बोर्ड कास्टिंग कॉरपोरेशन, यहाँ पर ब्रॉड होगा, ठीक है, मैंने गलत पढ़ दिया, ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग कॉरपोरेशन, करेक्ट आंसर यहाँ पर बीबीसी का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, फॉरेस्ट किंडरगार्टन किस वर्ष के बालकों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा का एक प्रकार है, इनमें से आपको बताना है। तो 68 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देख लेते हैं, 69 दिया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कृषि का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण के लिए करना है। तो यहाँ पर 69 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOUS, इग्नू, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें स्थापना की तो कब हुई उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से संक्षेपकार ICT किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 70 को मैंने इसके फर्स्ट वीडियो के पार्ट में बताया था कि ICT क्या है। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी सूचना या संचार या संप्रेषण तकनीकी की, तो ये इसका प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, इसके बिना कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। 70 हो गया, 71 है, निम्न में से कौन सा
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। तो यहाँ पर 71 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, यानी ऑनलाइन लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग और एजुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ भारतीय विश्वविद्यालय में ICT को लागू करने में सबसे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 72 की, तो इनमें सभी हो जाएंगी। तकनीकी तत्परता की कमी, बाधा, भाषाई बाधा, ICT पहल का खराब कार्यान्वयन, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73 है। इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क्स का एक मुक्त संयोजन है, यह कथन किसका है? तो 73 की बात करें तो यह कथन शेरान कॉफर्ड का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 73 हो गया। 74 है, 3D अधिगम का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षण के दौरान कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, ये 3D अधिगम का उद्देश्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 74 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सर्व शिक्षा अभियान का माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण यह उद्देश्य नहीं है। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, किस वर्ष लागू हुआ, उसे आप बता सकते हैं। और सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रेरक वाक्य भी है, तो उसे भी आप, अगर आपको पिछले वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कौन सा प्रेरक वाक्य मैंने बताया था, तो उसे भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, ये लास्ट है आज के इस वीडियो का। एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जो शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय अधिगम के साथ रेडियो प्रसारण को जोड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंटरैक्टिव रेडियो अनुदेशन, IRI। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी यूनिट 4th को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आपका इनोवेशन इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको अब रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हम लाइव आकर के चीज़ों को बताएंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।